हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री और हमारी इंडियन इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्म बन रही है जो काल्पनिक भी हैं और रिमेक्स भी हैं, जिस मूवी को देखने के लिए हम ना दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं थिएटर्स की ओर पे, वहीं पे निकल के आ रही है एक ऐसी मूवी द कश्मीर फाइल्स, जिसपे मतलब स्टारर में अनुपम खेर और मतलब मिथुन चक्रवर्ती और कई सारे स्टारर में, और फिल्म अराउंड जो बनी हुई है वो 90s की है, जहाँ पर कश्मीर पंडित को रिफ्यूज किया गया था और मतलब ना जो वर्ल्ड हॉरिफाइंग इवेंट हुई थी 90s में उसके राउंड में बताया गया है। मगर आप लोगों को मैं बता दूं, इस मूवी को यूएसए में 30 बार से ज़्यादा देखा जा चुका है, पर इंडिया में जब इसकी रिलीजिंग की बात आई तो कहीं ना कहीं अग्नि अग्नोत्री जिस इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिसने इसे रिटेन किया है, डायलॉग सभी इसमें रीड किए हैं, उन्हें मतलब की धमकियां मिलने चालू हो गई थी इस फिल्म के कारण कि इस फिल्म में कट्टरवाद है, आप इसे हमारे इंडियन सिनेमा में रिलीज ना किया जाए। 11 मार्च को इस फिल्म को आने वाली है हमारे थिएटर्स पे। मगर अभी इसकी जो खुशखबरी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इसकी जो ट्रेलर है वो अब कल की डेट में 11 बजे रिलीज की जाएगी। तो आप लोग कितने इच्छुक हैं इस फिल्म के लिए आप जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये फिल्म ना काफ़ी ज़्यादा टच है, मैं मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म के ट्रेलर की निकल के आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार करता था इस फिल्म के लिए कि क्योंकि अग्निहोत्री ने जी ये भी कहा कि हम किसी भी संप्रदाय और कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये मूवी पूरी तरह सच्चाई को बताया गया, जो घटना घटित हुई थी उसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर कहीं भी मतलब किसी बात की कमेंट और इस फिल्म को मतलब कि दबाने की कोशिश ना करें। तो आप लोग द कश्मीर फाइल्स, जिसकी ट्रेलर कब रिलीज़ होने वाली है कल 11 बजे, आप लोग इस न्यूज़ से कितने खुश हैं, आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से लेके, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी तरह के अपडेट्स के लिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।